नमस्कार दोस्तों, बीएसपीएसएन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित अर्थव्यवस्था प्रारंभ किया जा चुका है। इसके पूर्व में हम लोगों ने अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था से संबंध एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी ढांचा और इसी तरीके से विकासशील देश के संदर्भ में देखा हुआ था। तो सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित ये दूसरा लेक्चर है जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास एवं वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे। बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को जो समझना इस आधार पर आवश्यक है क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित सवाल कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था। तो इस विकास से जो है हम उस सवाल के भी जवाब को देने में जो है समर्थ हो पाते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में जो है ये दो टॉपिक यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इन दोनों टॉपिक को कवर करने का जो प्रयास करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अगर देखा जाए तो एक तो स्वतंत्रता से पहले की व्यवस्था रही है प्राचीन काल से लेकर के और ब्रिटिश शासनकाल तक, और एक जो औपनिवेशिक शासनकाल की रही है, और तीसरी जो व्यवस्था रही है वो हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विकास है उसे हम तीन पॉइंट्स में करके देख सकते हैं। ब्रिटिश पूर्व, ब्रिटिश कालीन और तीसरी है जो है स्वतंत्रोत्तर व्यवस्था। तो ब्रिटिश से पूर्व की जो है ब्रिटिश कालीन और स्वतंत्रोत्तर जो व्यवस्था, जो कि आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को भी स्पष्ट करेगा। तो ब्रिटिश से पूर्व की अगर व्यवस्था देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर के कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश शासनकाल यहां से प्रारंभ होता है उस तक की व्यवस्था, इसमें 1764 या 65 तक की व्यवस्था को अगर हम लोग देखें तो वहाँ तक की व्यवस्था आती है कि भारत में जो है प्लासी और बक्सर का युद्ध जब संपन्न हुआ तो उसके बाद से ये माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासनकालीन व्यवस्थाएं स्पष्ट हुई हैं, और वहाँ से ब्रिटिश शासनकालीन जो व्यवस्थाएं थी उसके द्वारा बनाई गई नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए हम जो है ब्रिटिशकालीन जो है अर्थव्यवस्था को भी देखने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटेन की किस नीतियां जो है भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से जो है प्रभावित करती हैं। तो अगर हम ब्रिटिशकालीन, ब्रिटिश से पूर्व की व्यवस्था को देखने का प्रयास करें तो भारत की अर्थव्यवस्था बेसिकली जो है कृषि पर जो है आधारित थी। यहाँ के जो आय का मुख्य साधन कृषि था और यहीं से जो भू राजस्व जो था वही राज्य के जो है आय का एक महत्वपूर्ण साधन था। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच जो है सिमटता हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ता है। यद्यपि इसके साथ में हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूती और रेशमी जो है वस्त्र उद्योग भी जो है चल रहे थे, इसी तरीके से कुछ धातु उद्योग भी जो है चल रहे थे। धातुओं के संदर्भ में जानकारी है कि भारत में जो है तांबा सबसे पहली बार जो है खोजा गया, टिन खोजा गया, फिर उससे मिलकर के कांसा बना, फिर ऐसे ही जो है धातुओं की जो है ये कहानी बनती हुई जो है चली गई। यद्यपि सोना चांदी तो बाद में जो है आता है परंतु प्रारंभ में जो है हमारे यहाँ तांबे की जो है खोज होती है, लोहे की भी खोज जो है बाद में होती है। तो सूती और रेशमी जो है धातु उद्योग थे, और आभूषण ये महत्वपूर्ण है, ये एक्चुअली जो भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र था उसका जो रीढ़ था, इसलिए यहाँ पे इसका उल्लेख विशेष रूप से किया जा रहा है ताकि इससे परिचित होने में आपको आसानी हो। तो आभूषण के अंतर्गत जो कार्य होते थे वो शिल्प कला के अंतर्गत आते, शिल्प कला के अंतर्गत आते हैं, और ये आपको जानकारी होना चाहिए प्राचीन काल से ही भारत की शिल्प कला पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध थी, और यही जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने का जो है एक आधार भी प्रदान करता था। तो ब्रिटिश पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी वो कृषि पर मुख्य रूप से आधारित थी, और यहाँ पे भू राजस्व जो है वो आय का मुख्य जो है स्रोत था। यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र में जो है यहाँ पे जो है देखा जाए तो सूती रेशमी वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग और शिल्प कला के लिए भारत जाना जाता था। और यहीं पे एक और चीज जोड़ दिया जाए, व्यापार। तो व्यापार भी प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत ही बेहतर स्थिति प्रारंभ में
थी, भारत अपने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का और विभिन्न प्रकार के जो है इससे संबंधित जो है उपोत्पाद का जो है वो पूरे विश्व में निर्यात करता था, और भारत की स्थिति जो है या यहाँ की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर स्थिति में जो है बनी थी, क्योंकि ये तीनों ही जो है स्थितियाँ भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलन प्रदान करती थी। तो ये व्यवस्था थी जो भारत में ब्रिटिश पूर्व की व्यवस्था। अब हम अगर देखें इसको जो है ब्रिटिश कालीन, तो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था भी जो है कृषि उद्योग और व्यापार, जो कि हमारे ब्रिटिश पूर्व की जो है अर्थव्यवस्था में भी पॉइंट्स के रूप में शामिल था, और इन्हीं पॉइंट्स पर जो है हम ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। अब एक कृषि उद्योग और व्यापार को एक एक करके हम लोग देखेंगे। कृषि के क्षेत्र में ब्रिटिश कालीन जो नीतियां थी वो ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करने पर आधारित थी। ऐसी स्थिति में यहाँ का किसान जो है गरीब होता चला गया, क्योंकि ये जो कृषि के संदर्भ में या जो लगान के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं समय समय पर आई वो कृषकों के शोषण पर आधारित रही हैं, इसलिए कृषि भी पूरी तरीके से विकास नहीं कर सका और किसानों की कमर यहाँ पे टूट गई। मुख्य रूप से यहाँ पर तीन प्रकार की व्यवस्थाएं देखने में आती हैं। एक अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, और दूसरी आती है महालवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये तीन प्रकार की जो है लगान और भू राजस्व से संबंधित जो है व्यवस्थाएं थी, जो कि किसानों के कृषि कार्य करने और उनसे लगान वसूलने से जो संबंधित थी। बेसिकली अगर हम अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो ये 1700 जो है 93 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा इसे जो प्रारंभ किया गया प्रारंभ में जो है ये बंगाल में थी, उसके बाद जो है बिहार उड़ीसा और इसी तरीके से जो है उत्तरी कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में जो है ये लागू हो गई। तो बंगाल बिहार और उड़ीसा मुख्य रूप से इसमें शामिल थे। अब ये देखना है कि इसके अंतर्गत जो है लगभग 19% भूभाग को जो है कवर किया गया। ये भी एक बेसिक डेटा है, क्योंकि ये 19% था, ये जो है 30% था, और ये 50% क्षेत्रों पर लागू था। तो कहने का मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर जो है लागू की गई जो है लगान और भू राजस्व की एक व्यवस्था थी, जो ब्रिटिश शासनकाल में क्रियान्वित हो रही थी। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा इसे जो प्रारंभ किया बंगाल बिहार और उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में मूल रूप से लागू थी। 19% जो है क्षेत्र पर ये जो है व्यवस्था काम कर रही थी। इसके अंतर्गत जो लगान वसूलने की जो व्यवस्था थी वो जमींदारों के हाथ में होती थी, इसीलिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, या इसे उर्दू के एक शब्द जो है जिसे इस्तमारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो मूल रूप से जो इसका प्रचलित नाम है वो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, और चूंकि ये लगान की वसूली जमींदारों के माध्यम से होती है इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1793 ईस्वी में कार्नवालिस के द्वारा इंप्लीमेंट और लागू किया गया था, 19% क्षेत्रों पर लागू हुआ। अब चूंकि जमींदार वसूली करते थे तो उन्हें भी उस लगान और भू राजस्व का एक हिस्सा मिलता था, जो 1/11 हुआ करता था, और 10/11 जो है वो सरकार के पास जो है जाता था, और इन्हें जो है जमींदार कहा जाता था, जिनके माध्यम से वसूली होती थी। यहाँ पर सूर्यास्त का एक नियम जो प्रचलित होता है कि जब हम मध्यकाल में आकर के या उत्तर मध्यकाल में आकर के बात करते हैं कि सूर्यास्त के नियम का, तो वो बेसिकली भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में लगान वसूली करने का एक नियम होता था, जो कि फिक्स डेट यानी कि निश्चित किए गए तिथि के सूर्यास्त तक जो है बनाया जाता था, कि उस तक जो है लगान संबंधित किसान के द्वारा अदा करना है, अन्यथा की स्थिति में उसकी भूमि पर जो है कार्यवाहियां प्रारंभ हो जाती थी, सरकार उसे ले लेती थी या किसी अन्य व्यक्ति को जो उसे सौंप देती थी, जो कि लगान देने में सुपुर्द होता था। तो कहीं ना कहीं सूर्यास्त का जो कानून भी है वो राजस्व या लगान के वसूली से संबंधित एक बहुत ही कड़ा और कठोर नियम था, जो कि कृषकों के शोषण का जो है आधार बनता था। तो ये व्यवस्था होती थी अस्थाई बंदोबस्त की, जो कि 1793 ईस्वी में कार्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया और बंगाल बिहार उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में कार्यरत था, 19% क्षेत्रों पर लागू किया गया था। इसमें 1/11 और 10/11 के सिद्धांत पर जो जमींदार और सरकार को लगान प्राप्त होती थी।
दूसरी जो व्यवस्था थी वो महल वाली व्यवस्था है। ये 1822 ईस्वी में जो प्रारंभ की गई महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में जो प्रारंभ की गई, ये हाल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर इसमें थोड़ा सा देखने का प्रयास किया जाए महल में, तो हाल भी यहाँ से निकल करके सामने आता है और इसी हाल से हाल्ट मैकेंजी बन जाता है। ये इसलिए बताया जा रहा है थोड़ा सा जब हमारे अध्ययन में एक अंतराल आता है तो बीच या बाद की चीजें थोड़ी सी हम लोग मिस करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं एक ट्रिक या एक जो है तकनीक का होना आवश्यक है जिससे हम उसे याद कर पाते हैं। ये ऐसी चीजें इसलिए बताई जाती हैं बीच बीच में ताकि समय समय पर अध्ययन करने के दौरान आप लोग भी ऐसे ही जो है तकनीकों का जो है विकास कर सकें, ईजाद कर सकें, जो कि आपको विभिन्न प्रकार के फैक्ट और फिगर को याद करने में मदद करे। तो यहाँ महल में हाल को अगर निकाल लेते हैं तो इसी हाल से हाल्ट मैकेंजी हो जाता है, जो कि 1822 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था को जो है प्रारंभ किया हुआ था। और ये व्यवस्था बेसिकली जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आगरा अवध प्रांत में, और आगरा और अवध प्रांत के साथ साथ जो है ये पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में जो है लागू की गई जो है एक व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1822 ईस्वी में प्रारंभ। यह महल का तात्पर्य होता है ग्राम समुदाय होता है, महल का शाब्दिक अर्थ जो है ग्राम समुदाय होता है। चूंकि इस व्यवस्था में या लगान की इस व्यवस्था में राजस्व वसूली करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो ग्राम समुदाय पर होता था, इसीलिए भू राजस्व वसूलने की इस व्यवस्था को ही जो है महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो 30% क्षेत्र पर जो है लगभग जो है 30% भूभाग पर जो है इस व्यवस्था को जो है लागू किया गया था, और इसमें लगान की दर अत्यंत ही उच्च थी 80%। अब आप ये समझिए 80% थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 क्विंटल जो है खाद्यान्न का उत्पादन करता है तो उसे जो है 8 क्विंटल खाद्यान्न लगान में दे देना पड़ता है। अब ये कितनी ही औचित्यपूर्ण व्यवस्था हो सकती है ये तो सोचने का विषय है। और इस तरीके से ब्रिटिश शासनकाल में किसानों का शोषण किया जाता है, ये लगान की इस दर से ही जो है स्पष्ट किया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये व्यवस्था पूरी तरीके से शोषणकारी व्यवस्था थी जिससे ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का पता चलता है और उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को भी समझने में जो मदद मिलती है। यद्यपि बाद में इसकी व्यवस्था 50% की गई, फिर भी ये जो है अत्यंत ही शोषणकारी व्यवस्था प्रतीत होती है। यहाँ पर जो है एक प्रचलित शब्द जो है लंबरदार का प्रयोग किया गया है, जो कि महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है लगान की वसूली करता था, इस व्यक्ति का नाम होता था लंबरदार। और इसे जिस तरीके से जमींदारों को यहाँ पर 1/11 भाग जो है मिलते थे, उसी तरीके से लंबरदार को जो समस्त जो है लगान की वसूली का 5% जो है मिलता था, जिसे पंचोत्रा भी कहा जाता है। ये शब्द इसके लिए प्रयोग में आया है पंचोत्रा। तो कुल मिलाकर के जो महलवाड़ी व्यवस्था में जो है भू राजस्व वसूली की जो है एक व्यवस्था को आपको समझने में जो है इस विश्लेषण से जो है मदद मिली होगी, जो कि 1822 ईस्वी में जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था, और यह लगभग जो है 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था, और यहाँ पर लगान की अत्यंत उच्च और शोषणकारी जो है दरें निर्धारित की गई थी जिससे किसानों का जो है व्यापक स्तर पर शोषण हो रहा था। अभी अगली व्यवस्था है रैयत वाली व्यवस्था। रैयत वाड़ी व्यवस्था ये 1792 ईस्वी में, अगर तिथि को ध्यान में रखा जाए तो ये सबसे पहले व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी 1792 ईस्वी में रैयत वाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। ये बेसिकली अगर मूल रूप से अगर भारत को विभिन्न भागों में करके देखा जाए तो दक्षिण भारत में मुंबई और मद्रास या इस प्रकार के जो क्षेत्रों में लागू किया गया था, मुंबई और मद्रास इत्यादि क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो इसे जो है टॉमस मुर्रो के द्वारा लागू किया गया था और इसे बिनगेट के द्वारा भी कुछ क्षेत्रों में जो इसे लागू करने का काम किया गया था। तो रैयत वाड़ी व्यवस्था लगभग 50% क्षेत्रों पर लागू की गई थी। अगर भूभाग की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर इसमें लागू किया गया था, और चूंकि यहाँ पर बीच की जो मध्यस्थता थी उसको समाप्त करके और लगान वसूली की जो जिम्मेदारी थी वो किसानों पर दे दिया गया, और किसान उत्पादन करता था स्वयं लगान का बिना किसी मध्यस्थता के जो है भुगतान किया जाता था,
इसलिए इस लगान वसूली की व्यवस्था को ही जो है रैयत वाड़ी कह दिया गया, और रैयत का तात्पर्य होता है किसान, इसलिए इस व्यवस्था को रैयत वाड़ी व्यवस्था किया गया, जो कि 1792 ईस्वी में थॉमस मुंडो के द्वारा लागू किया गया, बाद में विनगेट के द्वारा भी कुछ क्षेत्रों में इसे इम्प्लीमेंट करने का कार्य किया गया, और ये मूल रूप से दक्षिण भारत में या मुंबई मद्रास इत्यादि क्षेत्रों में जो है लागू किया गया था। यहाँ पर भी जो है दर 30% होती थी, बाद में इसे 50% तक बढ़ा दिया गया। 50% तक का आंकड़ा एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, जो कि किसानों से उनके उत्पादन के आधे भाग की चोरी पर आधारित था, यही कहा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम किसानों की शोषणकारी व्यवस्था को बहुत ही बेहतर ढंग से स्पष्ट कर पाएंगे। तो अब इन तीनों ही व्यवस्थाओं का अगर अध्ययन किया जाए तो ये बातें निकल करके सामने आती हैं। अभी तो हम ब्रिटिशकालीन आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर के जो है ये विश्लेषण कर रहे हैं, तो कृषि की जो क्षेत्र में जो नीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं शोषणकारी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा लगान और भू राजस्व को प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित थी। इसीलिए उस दौरान कृषि का बहुत उच्चतम स्तर तक विकास नहीं हो पाया, और भारत में ये भी जो है गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग उस वक्त जो है कृषि कार्य करते थे, क्योंकि उद्योग धंधों का बहुत अभाव था, या जो था भी वो बहुत ही छोटे स्तरों पर विद्यमान था। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने देखा जो है कृषि के जो है संदर्भ में ब्रिटिशकालीन आर्थिक नीतियों के रूप में, जिनके द्वारा भारत में काफ़ी कुछ कृषि की जो है कमर को तोड़ने का काम किया गया, और ये पूरी तरीके से शोषण पर आधारित जो व्यवस्था थी। दूसरा है उद्योग। अब इसमें दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी औद्योगिकरण। कई बार ये सवाल भी मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है, और अभी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल प्रारंभिक परीक्षा में भी, और ध्यान में है पिछले 2 से 3 सालों में यूपीपीएससी ने यूपीएससी के पैटर्न को एडॉप्ट किया है, तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भी औद्योगिकरण की जो है एक व्यवस्था है, और विकसित या ये कहा जाए निर्मित वस्तुओं के बाजार, निश्चित निर्मित वस्तुओं के बाजार, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को इन दोनों रूपों में देखा गया है। अगर औद्योगिक रूप से ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो ये दो चीजें निकल करके आती है, बी औद्योगिक। एक्चुअली आपको पहले भी बताया गया कि प्राचीन काल से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होती थी, क्योंकि कृषि भी कार्य होता था, लोगों के आवश्यक खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते थे, यहाँ के उद्योग धंधे भी जो है चल रहे थे, शिल्पकला अपने चरम पर था, जिससे हम निर्यात भी करते थे और अर्थव्यवस्था संतुलित रूप से काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर शिल्पकला को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसके स्थान पर बड़े उद्योग की स्थापना नहीं की गई, ये स्थिति ही औद्योगिकरण कहलाती थी, जो कि अंग्रेजों की भारत में शोषणकारी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसके माध्यम से वो भारत से ज़्यादा धनार्जन कर सकते थे और उसे अपने देश ले जा सकते थे। तो ये प्रक्रिया जो है भी औद्योगिकरण के रूप में जानी जाती है और भी औद्योगिकरण कहलाती है। अब ये हुआ कि भारत में इस तरीके से नीतियाँ लागू की गई कि यहाँ पे कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाया जा सके। आपने बाद में देखा होगा तीनकठिया व्यवस्था भी लागू की गई थी, जिसमें नील उत्पादन पर जो है बल दिया गया। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की गई, जिससे कि कच्चे माल का उत्पादन जो है किया जा सके। और चूंकि यहाँ पर उद्योग स्थापित नहीं किए गए, तो कच्चे माल का क्या करेंगे, कच्चे माल उसी समय जो है ब्रिटेन भेजा गया, जहाँ की उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे, ताकि उनका प्रयोग करके वहाँ पे निर्मित माल को बनाया जा सके और भारत को जो है निर्मित माल के जो बाजार के रूप में विकसित कर दिया गया। तो इस तरीके से भारत में जहाँ एक तरफ औद्योगिकरण किया गया, वहीं पर दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में उसे विकसित कर दिया गया। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं भारत में औद्योगिकरण के नींव को समाप्त करने के रूप में ही था, यद्यपि बाद में छोटे छोटे कुछ उद्योगों की स्थापना की गई, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहाँ की प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन बहुत ही व्यापक स्तर पर विद्यमान था, बड़े स्तर पर औद्योगिकरण न करके इसको केवल शोषण का कार्य किया गया। तो हम इस रूप में देखते हैं यहाँ के औद्योगिकरण की जो व्यवस्था को। अभी व्यापार की स्थिति, पूर्व से या प्राचीन काल से ही भारत में जो व्यापार की गतिविधियां थी वो भारत के पक्ष में और संतुलित हुआ करती थी,
लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये उद्योग से ही जुड़ी हुई नीति है कि चूंकि यहाँ आपके भी औद्योगिकरण कर दिया गया और भारत केवल और केवल कच्चे मालों के निर्यात तक ही जो है सीमित रह गया, और ब्रिटिश और जो शासनकाल था उसकी जो आर्थिक नीतियाँ थी वो इस तरीके से प्रतिबंधकारी थी कि भारत जो है उसका व्यापार केवल ब्रिटेन तक ही सीमित रह गया, और ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं पर जो है ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क की दरें अत्यंत कम कर दी गई, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में अगर देखा जाए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखा जाए यदि किसी देश से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाए तो वहाँ की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, और सस्ती होने के कारण से उस देश में उसकी मांग जो है बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित बाजार थे वो ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से भर गए, क्योंकि वहाँ सीमा शुल्क कम हो गया और सीमा शुल्क कम होने के कारण से वो वस्तुएं सस्ती हो गई। तो इस तरीके से व्यापार जो है वो भारत में जो है व्यापार एक देश तक जो है सीमित रह गया, और ये भारत के जो है व्यापार को सीमित करने का एक महत्वपूर्ण कारण था। तो इस तरीके से ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था में हम लोग कृषि उद्योग और व्यापार इन तीनों ही जो है पक्षों को इन बिंदुओं के माध्यम से विश्लेषित किया। इससे आपको उस दौरान की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने में और इससे संबंधित सवालों को हल करने में जो आपको मदद मिलेगी। अभी स्वतंत्रता के बाद, ये स्वतंत्रता के बाद की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वही जो है आपके इस टॉपिक का भी जो उत्तर देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो भारत 15 अगस्त 1947 के इस टाइम पर जो है 1947 15 अगस्त 1947 में भारत जो है स्वतंत्र हुआ। उस समय तक भारत में गरीबी, बेरोजगारी, चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य के एक जो है दयनीय स्थिति, स्कूल कॉलेज नहीं थे, उद्योग धंधे भी नहीं थे, कृषि कार्य ही यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश काल में जो है यहाँ पे लगभग भी औद्योगिकरण कर दिया गया था, या जो उद्योग धंधे स्थापित भी हुए थे वो बहुत ही कम थे। तो एक जो है भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था जो प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी हम विशेषताओं को जो है इस रूप में देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जो है निम्न आय, प्रति व्यक्ति जो है निम्न आय, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि जनसंख्या तो पहले से ही बढ़ रही थी, यद्यपि जितनी जनसंख्या आज है उतनी नहीं थी, फिर भी जो है अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन हो रहा था उससे ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखेंगे जो कि औसत प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत ही निम्न स्तर पर जो भी थी जो है, और इसी तरीके से जो है GDP की जो है निम्न दर, ये दोनों ही संबंधित हैं, क्योंकि इसी से संबंधित ये भी है कि जो हमारे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद था उसकी वृद्धि दर बहुत ही धीमी थी, इसी के संदर्भ में जो है 2 से 2.5 या 3% तक होती थी, जिसे हिंदू वृद्धि दर के नाम से भी उस समय इंगित किया गया है, और यह लगभग 1980 के दशक तक आते आते इतनी ही जो है रूप में जो विद्यमान रही है। दब भार उसके बाद में अगर देखा जाए जब हम नई आर्थिक नीति लागू करते हैं 1991 ईस्वी में जो कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में उदारवादी नीतियों पर आधारित है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 से 8% तक पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं उस समय अगर स्वतंत्रोत्तर भारत में अगर देखा जाए तो भारत में GDP की जो है निम्न दर जो है बनी रही। जनसंख्या का दबाव, यौन अकुशल जनसंख्या, ये दोनों ही जो है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या का दबाव, जब किसी देश में उत्पादन वस्तु और सेवाओं के रूप में बहुत तेजी से न बढ़ रही हो किंतु जनसंख्या बढ़ रहा हो तो वो अर्थव्यवस्था पर बोझ हो जाता है, क्योंकि एक तो वो जनसंख्या कहीं रोजगार में जो है संलिप्त नहीं है जिससे कि देश में प्राप्ति हो, तो वो जनसंख्या पर चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं खर्च होगा जो कि अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं दबाव के रूप में देखा जाएगा और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के रूप में जाना जाएगा। भारत में प्राचीन काल से यह समस्या विद्यमान रही है, यद्यपि भारत में लगातार अलग अलग कार्यक्रमों
कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को कुशल बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसमें काफ़ी कुछ जो है हम लोग आगे भी बढ़ चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी भी समस्याएं विद्यमान हैं। बेरोजगारी की जो है एक बहुत जटिल समस्या और विकराल स्थिति भारत में बनी हुई है। तो जनसंख्या का दबाव कहीं ना कहीं भारत में है और ये अकुशल जनसंख्या, जनसंख्या तो है वो जनसंख्या काम भी कर सकती है लेकिन अगर वो कुशल जनसंख्या हो जैसे जापान में, या इसी तरीके से ऐसे देश हैं जो तकनीकी रूप से बहुत आगे हैं, उन्होंने अपने देश को जो है अपने देश के लोगों को कुशल बनाया हुआ है और एक तकनीकी रूप से जो है समर्थित और सक्षम व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, जो कि भारत में नहीं देखी गई है, जिनकी जो है भारत में कमी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या का दबाव भी है और अकुशल जनसंख्या भारत में पाई जाती है। कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता भारत में जो है पूरी दुनिया के जो है 2.4% जो है क्षेत्र पर भारत की है, लेकिन अगर जनसंख्या देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या वो पूरी दुनिया की जो जनसंख्या की जो है 17-18% के आसपास है। अभी हम 2021 की जनगणना के जो है मुहाने पर खड़े हुए हैं जिसके एग्जैक्ट फिगर जो है एक साल के अंदर आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत की जनसंख्या 17-18% तक पूरे दुनिया की जो है जनसंख्या और नगरीकरण में उसके एग्जैक्ट डेटा भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं बताती है कि भारत की भूभाग और कृषि पर जो है यहाँ ज़्यादा जनसंख्या का दबाव है और कृषि पर ही लोगों की इन जनसंख्या का निर्भरता है। जितने भी लोग हैं उनकी 52% तक जो है लोग अभी भी रोजगार कृषि पर ही जो है प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन जीडीपी में इसका रोल कहीं ना कहीं कृषि का देखा जाए तो 13-13.5% तक ही है। तो कुल मिलाकर के कृषि में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जीडीपी में उनका रोल कम है, उनकी भूमिका या उनका भाग कम है, योगदान कम है। तो जाहिर सी बात है इस पर रहने वाले लोग जो है वो गरीब ही होंगे क्योंकि उनका आय जो है कम बना हुआ है। तो कृषि पर जो है भारत में जो है ज़्यादा दबाव है, ज़्यादा निर्भरता है, जिससे कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। तो कृषि पर निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी जो है समस्या है। यहाँ पे जो है गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बनी हुई है। विशेषता में भी एक नकारात्मक विशेषता है। गरीबी क्यों है? गरीबी बेसिकली लोगों के आय से संबंधित है। जब लोगों को रोजगार नहीं है, लोग किसी सेवा में नहीं है, किसी उद्योग में नहीं है, तो उनका उत्पादन में हिस्सा नहीं है, तो उनका आय कम है। आय जब कम है तो वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या कम से कम उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं जो कि लोगों के जीवन यापन के लिए बुनियादी जरूरतें कही जाती हैं, इसीलिए वह गरीबों की श्रेणी में जो है आ जाते हैं। और यह स्थिति भारत के लोगों को गरीब बनाती है और यहाँ गरीबी पाई जाती है। ये गरीबी और बेरोजगारी दोनों आपस में जुड़ी हुई है क्योंकि जब लोग बेरोजगार होंगे तो उनका आय नहीं होगा और आय नहीं होगा तो वो अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाएंगे और जब पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो वो गरीब हो जाएंगे। तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी की यही स्थिति है और इसके लिए भारत में अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास होना चाहिए और लोगों की जनसंख्या जो है वो कुशल होनी चाहिए और देश में उद्योग धंधों की स्थापना होनी चाहिए जिसके लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है और पूंजी हमेशा जो है वो बचत पर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उपर्युक्त विशेषताओं के साथ साथ गरीबी और बेरोजगारी की भी एक समस्या जो है वो विद्यमान रही है जो कि देश के पिछड़े होने के लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है और इस समस्या का निराकरण करने के लिए देश के जो है शासन, देश के जो है विशेषज्ञ लगातार नीतियों का निर्माण कर रहे हैं और उससे संबंधित जो है योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गरीबी बेरोजगारी भी जो है उपयुक्त विशेषताओं के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य और सड़क, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और किसी देश को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं, विकास के मार्ग पर ले जाते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों का होना भी किसी देश के लिए महत्वपूर्ण है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है
वहां पर अभी इस क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है अवसंरचनात्मक ढांचे की आवश्यकता है। भारत में कोविड 19 के दौरान देश की अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो व्यवस्था थी वो स्वास्थ्य थी, और अगला सबसे ज्यादा व्यवस्था जो प्रभावित थी वो शिक्षा था। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा और स्वास्थ्य इन क्षेत्रों में जो है भी देश को निवेश की आवश्यकता है, और निवेश आपकी बचत पर निर्भर करता है और बचत आपके आय पर निर्भर करता है। क्योंकि मध्यम आय वाला देश होने के कारण से अभी भी भारत की स्थिति कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के क्षेत्र में अपेक्षाकृत जो है कम अच्छी स्थिति है। तो ये भी विशेषता जो है एक महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी और गरीबी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी इसमें विशेषता के रूप में आता है। अगला है कि कृषि के लिए हम देखें तो कृषि के लिए कहा जाता है कि इस पर भारत में जो है मानसून का जुआ। तो हम अगर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे तो ये भी यहाँ पे कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ, अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ। अब यहाँ पे कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, परंतु यहाँ जब हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हम लिख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ। कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में जो है लगभग 52% लोग जो है वो कृषि क्षेत्रों में जो है काम कर रहे हैं, और कृषि ऑलरेडी जो है वो मानसून पर निर्भर है, और देश की अभी जो है 46% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा है। शेष 54% भाग अभी कहीं ना कहीं मानसून पर निर्भर हैं, और देश की 52% तक जो जनसंख्या वो यहाँ कृषि पर कार्यरत है। तो देश की ज़्यादातर जनसंख्या की आय का साधन जो है वो कृषि है। यदि कृषि मानसून के कारण से प्रभावित होती है तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, एक तो आय के क्षेत्र में, दूसरा विभिन्न प्रकार के उद्योगों, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उत्पादों के खरीद को भी लेकर के, क्योंकि जब इनके पास क्रय शक्ति नहीं होगा तो वो सेकेंडरी और सेवा क्षेत्र के द्वारा जो भी जो है उत्पाद आएंगे उनको खरीदने की जो क्षमता नहीं होगी, इसलिए देश में जो है मंदी की स्थिति आ सकती है। तो कहीं ना कहीं कृषि की जो मानसून पर निर्भरता है वो जो है अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ बना देता है। तो ये विशेषता जो है कुल मिलाकर के देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था की रही है। चूंकि भारत विकसित, विकासशील और अविकसित की श्रेणी में जो है विकासशील देशों की स्थिति में आता है, तो हमें उन विशेषताओं को भी कहीं ना कहीं इन्हीं बिंदुओं के आसपास दिखाने और बताने का प्रयास करना होगा, और इस बात को भी बताना होगा कि देश की जो सरकारें हैं वो लगातार इस स्थिति से निकलने के लिए प्रयासरत हैं, और जिस तरीके से सुधार हो रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, तो हमें विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में हम विकसित देश के स्तर और लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर के आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आने वाले लेक्चर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक नए टॉपिक को लेकर के आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में, बेहतर समझ के साथ अवधारणाओं को लेकर के जारी रखिए, और अगले टॉपिक में हम एक बेहतर सिलेबस, बेहतर टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।